यू, हाउ आर यू, कैसे हैं? बढ़िया हो? कैसे रहा सबका एग्जाम? अच्छा ही रहा होगा उम्मीद है, क्योंकि आप लोगों ने फटाफट कर करके स्क्रीनशॉट मुझे भेजे थे, है ना? तो हम लोगों का हाफ ईयरली का कोर्स भी हुआ, एग्जाम भी हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7, है ना? जो पार्ट 6 तक पढ़ा है वो हमें अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा आगे का सिलेबस पार्ट 7 से शुरू होगा। और आपको पता है हमारे दिन की शुरुआत हम ईश्वर को धन्यवाद देके, ईश्वर का स्मरण करके करते हैं। तो सब अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और मैम के साथ दोहराएंगे, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब अपनी आंखें खोलें। तो बेटा पार्ट 6 तक हम पढ़ चुके थे, अपनों की चोट नो की, है ना? अब हम आज पढ़ेंगे पार्ट 7, गिल्लू। पार्ट 7, गिल्लू। अब आप लोग दीपावली का त्योहार मनाओगे, है ना? नवरात्रि आपकी हो गई, दशहरा हो गया है, जल्द ही दीपावली का त्योहार आने वाला है। सभी के घर में साफ सफाई होती है, देखिए, है ना? वैसे तो हम साल भर करते हैं, लेकिन दीपावली पे हम लोग क्या करते हैं, सारे सामान को निकालते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि घर में सफाई हो, है ना? बीमारी ना हो, कीटाणु ना हो। अगर ना हो तो हम लोग सफाई नहीं करते। इसीलिए त्योहारों को, है ना, इन चीज़ों से जोड़ दिया जाता है ताकि इस बहाने हमारे घर की साफ सफाई हो जाती है। तो आप अपनी मम्मी की उसमें मदद करें, आपकी मम्मियाँ, है ना, आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें फिर बनाएगी दीपावली पे। तो आप लोगों को क्या करना है, उनकी मदद करना है। फिर दीपावली पे आप लोग क्या करते हो, अच्छी अच्छी रंगोली बनाते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, घर को सजाते हो। तो मन में क्या लाते हैं त्यौहार, खुशियाँ लाते हैं, प्रेम लाते हैं, अपनापन लाते हैं। सब लोग मिलके काम करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। इस बार आप लोग घर पे हो तो मम्मी की अच्छे से मदद करो, फिर देखो हमारे त्योहारों को किस तरह से मनाया जाता है, क्या क्या होता है, किस तरह मम्मी करती है, है ना? ये हमारा कल्चर होता है और ये हमें सीखना चाहिए, है ना? और कुछ बच्चों के यहाँ पे पुताई भी होती है तो उसमें भी बहुत मज़ा आता है, घर बहुत अच्छा नया नया दिखने लगता है। तो इस तरह से सभी बच्चे अपने मम्मी पापा की सफाई में, हर काम में मदद करेंगे। और इस बहाने आपको सीखने का इस साल मौका मिल रहा है तो ज़रूर सीखना चाहिए। ये चीज़ें आपको बड़े होके भी काम आएगी। देखो ये चीज़ें आपको केवल घर के लिए नहीं काम आती है। एक बार क्या होता है कि एक बच्चा इंटरव्यू देने के लिए जाता है ना, जब उसका पूरा सारा कॉलेज भी हो जाता है, सब हो जाता है, तो जैसे ही वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो बाहर वो सोफे पे बैठने के लिए उसे बोला जाता है कि आप बैठो और यहाँ पे वेट करो। वो बैठता है तो वहाँ पे क्या होता है कि सोफे का कवर गिरा हुआ रहता है। तो पहले उसको क्या करता है, वो अच्छे से अरेंज करता है। उसके बाद वो वहाँ पे देखता है कि एक फ्लावर पॉट रखा है, तो वो एक स्टूडेंट और निकलता है तो उसके निकलने से गिर जाता है, तो उसको खड़े कर देता है, व्यवस्थित कर देता है। अब उसका नंबर आता है तो सीढ़ियों से उसको ऊपर बुलाया जाता है। वो सीढ़ियों पे देखता है कि कुछ कचरा गिरा है, तो कचरे को उठा के ले जाता है हाथ में और वहाँ देखता है तो एक डस्टबिन में डाल देता है। जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे एक डोरमैट रखा रहता है जो कि पूरा तिरछा रखा हुआ रहता है, तो उसे भी व्यवस्थित कर देता है। अब वो जैसे ही अंदर जाता है तो उसको पूछा जाता है कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन वगैरह दो, सारी चीज़ें हमें बताओ। बताने के बाद उसको बोला जाता, उससे कुछ भी नहीं इंटरव्यू में पूछा जाता है, और बोला जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो बहुत आश्चर्य करता है कि मेरे से तो आपने कुछ पूछा ही नहीं, कुछ नहीं हुआ और कैसे हो गया। फिर उन्होंने कैमरा ऑन करके बताते हैं और वो जो जो काम करता है, सोफे का कवर अरेंज करना, फ्लावर पॉट अरेंज करना, कचरे को डस्टबिन में डालना, डोरमेट को व्यवस्थित करना,
तो वो बोलते हैं कि हमने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है और हम देख रहे हैं कि कितने बच्चे आ रहे हैं और कितना उनका व्यवस्थित काम है ना। कुछ बच्चे आए तो उन्होंने कुछ भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और आपने इन चीज़ों पे ध्यान दिया, तो जो बच्चा इन चीज़ों पे अभी ध्यान दे रहा है वो कंपनी के काम को बहुत अच्छे से बहुत जिम्मेदारी से करेगा। तो ये चीज़ें बेटा आपको हर जगह काम आएगी, है ना। काम करना कोई बुरी बात नहीं होती है, ये जिम्मेदारी सीखने की बात होती है ना, कि आप अपनी लाइफ में किस तरह जिम्मेदारी को निभा रहे हो, किस तरह से व्यवस्थित काम करना सीख रहे हो, है ना। आपको बार बार मम्मी बोलती है ना कि कंघे को जगह पे रखो, है ना, टॉवेल को बाहर सूखने डालो, अपने शूज़ प्रॉपर जगह पे रखो। तो बेटा ये सारी चीज़ें आपके लिए ही होती है, आपको अच्छा बनने के लिए सिखाई जाती है ना। मम्मी की हेल्प भी हो जाती है और आप भी अच्छी चीज़ें सीख जाते हो। तो मुझे उम्मीद है कि इस दिवाली पे आप लोग मिलके काम भी करेंगे, खूब इंजॉय भी करेंगे और सारी चीज़ें सीखेंगे। जब आप आओगे तो मैं आपसे सब पूछने वाली हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको मम्मी के कुकिंग से इंटरेस्ट नहीं होता, है ना। चाहे लड़के हो या लड़की हो, सबको सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो आपके यहाँ क्या क्या बनता है वो भी आपको देखना है, है ना। आप सोच रहे होंगे अभी तो हम छोटे हैं तो क्या हो गया, सीखने में कोई दिक्कत नहीं, बनाना ज़रूरी नहीं है, सीख लो, देख लो, प्रोसेस पता होनी चाहिए, बड़े हो के आप लोग कर सकते हो। तो आपको मम्मी की छोटी छोटी हेल्प जो चीज़ें हैं कर सकते हो, है ना। और अपने कल्चर को, अपने कस्टम को, अपनी जो चीज़ें हैं उनको सीखना चाहिए हमें, है ना। रीति रिवाज परंपराएं, ये हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर होती है, इसको हमें ही आगे बढ़ाना है तो आपको ही सीखना पड़ेगा, है ना। तो फिर हम लोग और भी दिवाली की बातें करेंगे, है ना। आपको मैं दीपावली के बारे में और भी अच्छी बातें बताऊंगी अगली क्लास में। तो आज हम हमारा पहला चैप्टर मिस हाफ ईयरली के बाद वाला ये पहला ही कहला जाएगा, तो पार्ट 7 गिल्लू पढ़ेंगे, है ना। गिल्लू एक ये जो रचना है, है ना, ये हमारी हिंदी साहित्य की बहुत ही महान लेखिका है महादेवी वर्मा, है ना। महादेवी वर्मा की लिखी हुई कहानी का एक अंश है इसमें। उन्होंने बहुत अच्छी लेखिका है, आप लोग अभी नहीं जानते हो, जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो लेखकों के बारे में, कवियों के बारे में, देखो जो कविता लिखता है वो कवि होता है, जो लेखक होता है वो निबंध कहानी ऐसी चीज़ें लिखता है। तो जब आप बड़े होंगे तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे समझने लगोगे। तो ये हमारी इसमें महादेवी वर्मा की एक कहानी है, है ना। उनकी कहानी का एक छोटा सा अंश दिया है कि किस तरह से वो उन्होंने अपनी इसमें पशु प्रेम के बारे में बताया है, और इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। सब लोग अपनी पुस्तक निकालेंगे, पुस्तक का पेज नंबर 42 निकालेंगे, है ना, पेज नंबर 42। देखो आप पुस्तक होना जरूरी है, नहीं पुस्तक रखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सभी लोग पेज पुस्तक का पेज नंबर 42 निकालें। सभी लोग अपने फिंगर रखेंगे, है ना, और मैम के साथ दोहराएंगे। देखो हमारे इस संसार में बहुत सारे पशु पक्षी हैं ना, आसपास बहुत सारे जानवर पशु पक्षी होते हैं, उनसे हमें प्यार करना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं और कुत्ते को मारेंगे, है ना। कुछ जानवरों को गिलहरी होगी उससे दिखेगी, तो मारना चाहिए क्या, नहीं मारना चाहिए, है ना। उन्हें भी दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो बेजुबान होते हैं। तो कभी भी हमें जानवरों को सताना या मारना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें पकड़ के रखना चाहिए, है ना। बहुत से लोगों को शौक होता है कि जानवरों को पालते हैं, लेकिन जानवर पालना भी नहीं चाहिए, है ना। उनकी भी स्वतंत्रता ख़त्म होती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। देखो हम इंसानों के साथ रहना अच्छा लगता है, उनको उनके जानवरों को जानवरों के साथ रहना अच्छा लगता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें जानवरों को या पशु पक्षियों को नहीं पालना चाहिए। तो एक संसार में कई जीव जंतु, उन्हीं में से गिलहरी भी है, यह बहुत फुर्तीली चंचल और सुंदर होती है। सब लोगों ने गिलहरी देखी होगी, है ना, अपने पेड़ों पे आसपास बहुत बार हमें गिलहरी दिख जाती है। अगर हम पशु पक्षी को हानि पहुंचाने के स्थान पर उनकी रक्षा का व्रत लें तो दुनिया में बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्तों से भर जाएगी। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? देखो है ना, मैंने अभी बताया ना कि हमें उन्हें
हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, मीन्स कोई पत्थर नहीं मारना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, और इसके बजाय उनकी रक्षा का प्रण लेना चाहिए, व्रत लेना ने प्रण करना चाहिए कि हम कोई भी जानवर, या आप लोग भी बहुत बार देखते हो करते हैं बच्चे, है ना, कि पक्षी अगर कोई ऐसा गिर जाता है तो उसे पानी पिलाओगे, है ना, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, करना चाहिए हमें। अब देखिए इसमें हमें चित्र दिख रहा है, दो कौवे आए हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं, एक नन्ही गिलहरी को परेशान कर रहे हैं। अब दो कौवे नन्ही गिलहरी पर बार बार झपट्टा मार रहे थे, झपट्टा मार रहे थे मीन्स उसको पकड़ना चाह रहे थे। हम देखते हैं ना, कुत्ते भी बिल्ली को पकड़ते हैं, एक जानवर एक दूसरे को खाते हैं और उन्हें पकड़ते हैं, और गिलहरी बहुत डरी हुई है और लेखिका खड़ी होकर यह सब देख रही है। देखो ये एक लेखिका है, महादेवी वर्मा है, वो यहाँ खड़ी है और देख रही है कि किस तरह से गिलहरी को कौवे परेशान कर रहे हैं। अरे इस बेचारी गिलहरी को कौवों से बचाना होगा, और वो बोल रही है कि अरे ये इसे परेशान कर रहे हैं, इसे मुझे बचाना होगा। अब अपने अगले पेज नंबर 43 पे सब लोग आ जाएंगे, है ना, ये वाला पेज निकाल लें। देखो तो कौवों ने इसे कितना घायल कर दिया, लेखिका ने कहा। अब घर के एक सदस्य ने कहा, हाँ बेचारी अधमरी हो गई, अधमरी यानी आधे मरने के बराबर, उसमें कोई जान नहीं बचे हैं, अब शायद ही यह बच पाए, है ना। तो फिर एक ने कहा कि ये शायद ही अब बच पाए। प्यारे गिल्लू तुम्हें भूख लगी है ना, लो थोड़ा दूध पी लो। अब लेखिका ने उसे प्यार से, है ना, दूध दिया है, दूध दे रही है वो। शुक्रिया अम्मा, आपने मेरी जान बचाई। अब गिलहरी, है ना, बोलती नहीं है, लेकिन जानवर हमारी प्यार की भाषा समझते हैं, तो वो लेखिका को धन्यवाद कह रही है कि अम्मा धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है। गिल्लू दीदी हमारे पास आओ ना, है ना? अब बाहर उसकी और भी गिलहरी की, है ना, उसके रिश्तेदार हैं, है ना, तो उसे बुला रहे हैं कि दीदी आओ ना हमारे पास खेलने के लिए। अब गिल्लू इधर आओ, मैं तुम्हें भरपेट खिलाऊंगी, आहा मेरा प्रिय भोजन, और उन्होंने उसे, है ना, वहाँ पे खाने के लिए फली दी है, वो खा रही हैं। तुम्हारा पेट मेरी ही थाली में खाकर भरता है ना। अब वो इतना घुल मिल गई है कि लेखिका के साथ वो खाना भी खाने लगी। देखो ये था, ये पिक्चर में दिख रहा है ना कि वो लेखिका के साथ खाना खा रही है। अब अगले पिक्चर में है कि लेखिका बीमार हो जाती है। आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, तब तक मैं आपका ध्यान रखूंगी। लेखिका बीमार हो गई है तो गिलहरी देखो उसके पास किस तरह बैठी है और किस तरह उसका ध्यान रख रही है। देखो उन्होंने वो बीमार हुई तो ध्यान रखा, आज गिलहरी इनका ध्यान रख रही है ना, तो जानवर ये भाषा समझते हैं। आह ठंडक भी नज़दीक आ रही है, है ना, अब हमारे यहाँ भी ठंड नज़दीक आ रही है ना, तो लेखिका बोल रही है कि गिलहरी बोल रही कि अब ठंड भी नज़दीक ही है, ओह लगता है मैं अब तुम्हें नहीं बचा पाऊँगी, है ना, और वो ज़्यादा बीमार हो जाती है, तो लेखिका गिलहरी से बोल रही है कि लगता है अब मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊँगी। काश हम कुछ समय और साथ रहते, है ना, और गिलहरी क्या होती है कि नहीं बच पाती है, है ना, मर जाती है, तो लेखिका बोलती कि काश हम कुछ समय रह पाते। मुझे विश्वास है गिल्लू तुम एक दिन सोन जूही का फूल बनकर जरूर खिलोगी, और उसका अंतिम जो समय होता है उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करती है वो, अपने उसे बगीचे में गड्ढा खोद के वहीं पे उसका उसे दफना देती है, और बोलती है कि तुम सोन जूही, सोन जूही एक बहुत सुंदर फूल होता है, और वो बोलती कि मुझे उम्मीद है कि तुम एक सोन जूही का फूल बनकर जरूर खिलोगे, है ना। इस तरह से हमने देखा कि लेखिका का जानवरों के प्रति किस तरह प्रेम था। हमें भी जानवरों से प्रेम करना चाहिए, बातें बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ा उसका अर्थ होता है। अब इसमें हमने सीखा कि पशु पक्षी भी प्यार की भाषा समझते हैं,
उन्हें हानि हमें नहीं पहुंचानी चाहिए, है ना। तो बहुत आसान पाठ था, सबको समझ में आ गया होगा। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ लिखेंगे, है ना। इसमें हमें शब्दार्थ तो नहीं दिख रहे हैं, तो हम इसके श्रुतलेख शब्द लिख लेते हैं, है ना। फिर अगली क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सभी लोग इसके श्रुतलेख शब्द लिख लें, इसमें शब्दार्थ नहीं लिखते हैं। अपनी क्लास वर्क कॉपी में आपको करना है ना। अब आप लोगों का हाफ ईयरली हो गया है, आपको नया करने के लिए पेज फोल्ड करके नया स्टार्ट करना है, ठीक है। सभी लोग श्रुतलेख शब्द लिख लेंगे। आपको पता है ना श्रुतलेख शब्द तीन तीन बार लिखना है। विश्वास, इसको आपको थ्री थ्री टाइम लिखना है। बोल बोल के तीन तीन बार लिखना है सबको। साइड में मैं आपका होमवर्क भी लिख देती हूँ, आपको इस पार्ट को पढ़ना है ना, और कठिन शब्द छाट के लिखना है। यह आपका होमवर्क है, पार्ट सात का वाचन करें। Thank you.
सब लोग ये हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें होमवर्क का। चलिए आप हम इस पार्ट की एक्सरसाइज कर लेंगे। सभी लोग अपनी पुस्तक का पेज नंबर 44 निकालें। सबसे पहला प्रश्न है, पेज नंबर 45 पे आ जाइए सभी लोग। पुस्तक का पेज नंबर 45 निकालें, एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 45। पहला प्रश्न है सही विकल्प। पाठ के अनुसार सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। लेखिका ने गिल्लू को क्या पिलाया? पानी, दूध, तेल। देखो आपने अभी देखा कि आपकी एग्जाम में आपको रिक्त स्थान, सही विकल्प, सही गलत ये सब चीज़ें आई है ना। तो आप लोगों को पाठ को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, मैम पढ़ाती उसके बाद खुद से भी रीडिंग करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर के बीच से ही आने वाले हैं। तो हमने पाठ पढ़ा यहाँ पे, आपको फिर उसका घर पे भी करना है, इसलिए मैम आपको होमवर्क देती है कि कठिन शब्द छांटना है ताकि इस बहाने आपके चैप्टर की रीडिंग हो जाए और जो भी आपको भी पता चले कि हमको कुछ कठिन लग रहा है। तो पहला प्रश्न है, लेखिका ने गिल्लू को क्या पिलाया? आपको पता है क्या पिलाया था? पानी, दूध या फिर तेल? क्या पिलाया था लेखिका ने? क का सही आंसर है दूध। दूध पे आप लोग सही का निशान लगा। ख, गिल्लू का प्रिय भोजन क्या था? काजू फल, अपन ने देखा था ना काजू वहां पे रखा हुआ दिखा है हमको। फिर गिल्लू बाहर जाकर किनके साथ खेलता था? किनके साथ खेलता था? गिलहरियों के साथ। साथ नहीं लिखा है मैंने, लिखा है। चलिए टिक लगा लीजिए, केवल आपको टिक लगाना है। अब हम आएंगे प्रश्न चार। प्रश्न तीन है प्रश्न उत्तर, जिसको कि हम लोग अगली क्लास में करेंगे। अब आ जाएंगे आप लोग सही गलत। सही गलत, पहला है गिल्लू एक मोर का नाम था। मोर का नाम था नहीं, सबको पता है गिल्लू किसका नाम था? गिलहरी का। तो पहले में क्या आएगा? रॉन्ग। गिल्लू ने जान बचाने के लिए लेखिका को शुक्रिया कहा था? कहा था है ना। गिल्लू को काजू बहुत पसंद है, हाँ। उसके बाद एक घ लिख देती हूँ मैं और ड। गिल्लू को खिड़की से बाहर कौवे बुला रहे थे, रॉन्ग। गिलहरियां बुला रही थी ना, उस गिलहरी उसकी फ्रेंड बुला रही थी। गिल्लू को सुराही पर लेटना पसंद था, गलत। तो जब हम चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें ये सारी चीजें अपने आप आने लगती है ना। जाएंगे हम लोग पेज नंबर 46 पे, राइट डाउन करने पे सबके हो चुके होंगे, साथ साथ ही करते जाते हैं आप लोग मेरे। पेज नंबर 46 पे आ जाइए। समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाना है ना, भाषा की समझ व्याकरण पे हम आ जाएंगे। पहला है समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए।
समान अर्थ में समानार्थी शब्द जिसके अर्थ एक जैसे होते हैं, नाम अलग अलग होते हैं। विश्वास है ना, ये है क ख ग घ और ड। अब हम इनके पहले शब्द लिख लेंगे। विश्वास कौवा ठंडक अम्मा भरोसा, विश्वास मतलब भरोसा। कौवा, कौवे को काक भी बोलते हैं ना, कौवे का एक नाम काक होता है। ठंडक मीन्स सर्दी, बोलते ना ठंडक लग रही है, सर्दी के दिन आ गए हैं। अम्मा ने माँ और भोजन ने खाना, मिला लीजिए सब लोग। बहुत आसान था है ना, कुछ लिखना नहीं था आपको, फटाफट हो जाता है। अब हम अगले प्रश्न पे आएंगे। विशेषण वाले शब्दों को है ना हमें ढूंढ के यहाँ लिखना है। हमने पढ़ा था ना जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे बाल काले हैं तो काला क्या हो गया, विशेषण है ना। ये कंगन लाल है, ये कंगन गोल है, आकाश नीला है, तो नीला गोल ये सब क्या हो गया, विशेषण हो गया। विशेषण के प्रकार भी पढ़े थे। तो पहला यहाँ इसके रिक्त स्थान दिए हैं विशेषणों में, लाल मुलायम नन्ही स्वादिष्ट खोटा मोटा, तो हमको यहाँ पे ढूंढ के लिखना। गिलहरी, गिलहरी कैसी है, नन्ही, कैसी है नन्ही, तो ग में क्या लिखेंगे हम तो नन्ही। अब है ख, फूल कैसा होता है, लाल, लाल फूल। उसके बाद है भोजन, भोजन कैसा होता है, स्वादिष्ट है ना, टेस्टी, आप बोलते हैं ना टेस्टी खाने, आप बोलते हो या नहीं, हमेशा बोलना चाहिए। जब भी आपकी मम्मी आपके कोई भी आपके लिए खाना बनाते हैं ना, बहुत मेहनत लगती है, तो हमेशा खाने का भी सम्मान करना चाहिए, मम्मी को भी धन्यवाद देना चाहिए कि मम्मी आपने बहुत टेस्टी खाना बनाया, हमेशा आदत रखना चाहिए है ना। और अच्छा अच्छा बोलना सीखोगे तो अच्छा अच्छा हेल्थ भी बनेगी, मम्मी को भी अच्छा लगेगा। फिर है बिस्तर, कैसा होता है बिस्तर, मुलायम, पसंद आता है ना आपको मुलायम मुलायम। फिर च, सिक्का, सिक्का कैसा है, खोटा खोटा सिक्का। एक छुट गया है यहाँ पे क ख ग घ घ पे मोटा आएगा, मोटा बाल। लिख लीजिए आप लोग अपने रिक्त स्थान में। और
नाम से लिख लीजिए अच्छी राइटिंग में। बाद है पेज नंबर 47 पे एक प्रश्न दिया है कि संयुक्त व्यंजन वाले अक्षर आपको यहाँ पे लिखना है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपको खुद से सर्च करके लिखना है। इसके बाद यहाँ पे है कि ये जानवरों का भोजन आपको पता करना है कि ये खाते क्या खाते हैं। जैसे गिलहरी हमने क्या देखा कि काजू से पसंद है, तो हाथी, खरगोश, भालू ये क्या खाते हैं ये आपको पता करना है और यहाँ पे लिखना है ना। अब देखो इसमें दिया है कि गिलहरी के पेट पे क्या होती है, धारिया बनी है। इस पर एक राम जी की कहानी है ना, कि एक बार क्या होता है कि राम भगवान जंगल में जब वनवास के लिए गए थे ना, तो उन्होंने क्या किया था कि वहाँ पे गिलहरियाँ भी थी, तो जब पुल बन रहा था है ना, समुद्र पार करके सीता जी को लेने जाना था ना, तो पुल बन रहा था, हनुमान जी राम राम लिख लिख के पुल बना रहे थे ना, तो वहाँ पे एक गिलहरी भी थी जो क्या कर रही थी, छोटे छोटे पत्थर ला ला के समुद्र में डालती जा रही थी। राम भगवान ये सब बहुत ध्यान से देख रहे थे, उन्हें उन्हें गिलहरी पे बहुत प्यार आया, बहुत अच्छा लगा उसकी सेवा उसकी भक्ति देख के, तो उन्होंने उसे अपने हाथ में लिया और उसके हाथ पे प्यार से ऐसी उंगलियाँ फेरी। तो कहा जाता है कि उसी तभी उनके हाथों से उस पर चार रेखाएं ऐसी बन गई थी, धारियां बन गई थी, तभी से गिलहरी पे चार धारियां है ना। तो इस तरह से हमने ये पाठ पढ़ा है ना, और हमने देखा कि जानवरों की हमें रक्षा करनी चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए, अगर कोई मार रहा है तो उसे भी उसका विरोध हमें करना चाहिए है ना। तो आज का पाठ हमारा यही समाप्त होता है, अगली क्लास में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।